जनपद में प्रदेश सरकार के निर्देश के क्रम में चौमुखी विकास को लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण कटिबद्ध है। ऐसे में प्राधिकरण द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का संचालन भी बड़े पैमाने पर कराया जा रहा है, जिसमें खोराबार टाउनशिप, सुमेर सागर ताल, रामगढ़ ताल सुंदरीकरण परियोजना, नागरिकों की सुरक्षा व जनपद पुलिस से सामंजस्य स्थापित कर अत्याधुनिक संसाधनों को लगाने के साथ ही चौराहों का चौड़ीकरण, आधुनिक पुलिसिंग बूथ आदि निर्माण कार्यों का भी प्राधिकरण बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहा है, जिससे जनपदवासियों को सुरक्षा का एहसास कराया जा सके। इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया। विकास प्राधिकरण के द्वारा जो है शहर के हित में और जनहित में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट जो हैं हम लोग लेके आ रहे हैं। सबसे पहले खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद में जो है माइवन टेक्नोलॉजी से जो हम लोग आवास बनाएंगे उसमें उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुमेर सागर ताल है उसको रेनोवेट करने की बात है, चाहे रामगढ़ ताल को और अच्छा करने की बात है। इस प्रकार के तमाम जो है प्रोजेक्ट जो है शहर के हित में हम लोग लेके आ रहे हैं। सर, शहर के विभिन्न 50 चौराहों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था की है, तो उसको लेकर क्या है? अभी हाल में ही हमारी बोर्ड बैठक भी हुई थी, उसी में हम लोगों ने पुलिस विभाग और विकास प्राधिकरण आपस में कैसे समन्वय स्थापित करके शहर के लोगों में एक सुरक्षा भाव पैदा कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसी दिशा में जो जो भी सहयोग विकास प्राधिकरण के रूप में चाहिएगा वो हम लोग पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करके हम उनके लिए करेंगे, चाहे वो चौराहों का चौड़ीकरण हो, चाहे मॉडर्न पुलिस बूथ हो, चाहे तमाम तरह के, जिससे इस शहर के लोगों में एक सुरक्षा भावना पैदा हो। मुझे लगता है कि उससे शहर में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है गोरखपुर विकास प्राधिकरण को भी लाभ होगा। हाँ, मैंने बताया जैसे कि आपको चौराहों का चौड़ीकरण हो, चाहे लेफ्ट टर्न फ्री हो, इस प्रकार के जो भी ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग के द्वारा जो हमको बताया जाएगा उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ट्रैफिक व्यवस्था जब बेहतर होगी तो शहर में जो है शहर जो है दिखने में और भी सुंदर लगता है। तो इसी दिशा में